नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बजट सत्र के तीसरे दिन आज दोपहर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा की स्थिति का निरीक्षण किया। दरअसल विधायकों की शिकायत थी कि बजट सत्र लंबा चल रहा है। इस दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों, चालक, कर्मचारी दिन भर विधानसभा में भूखे प्यासे परिसर में रह रहे हैं। विधानसभा के मुख्य द्वार पर इनके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, लिहाजा मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निरीक्षण किया। लगभग 25 मिनट मुख्यमंत्री विधानसभा के पार्किंग एरिया में रहे। इस दौरान सीएम हेमंत ने चालकों और सुरक्षा कर्मियों को हो रही असुविधा का जायजा लिया और सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात की, उनसे खाने पीने की व्यवस्था और अन्य सुविधा की जानकारी ली। यहाँ पर विधायकों के चालक, उनके अंगरक्षकों के लिए यहाँ पीने के भी पानी की व्यवस्था, क्योंकि हाउस दिन भर चलता है, रात भी हो जाती है और बजट सत्र चूंकि लंबा भी चलता है, इसको मद्देनजर ये बातें हम लोगों ने तय की थी। माननीय विधायक, मंत्रीगण और के चालक और यहाँ समुचित उपाय उन लोगों के लिए खाने का, चाय पीने की व्यवस्था हो, इसमें आप लोग भी शामिल हैं। तो हमने पहले नहीं देखा था, वो देखना में आया था और चीज़ें उपलब्ध कराई गई है। मुझे लगता है कि दिन भर का जो समय है वो लोग भी यहाँ पर बाहर इंतजार कर रहे हैं तो आराम से बैठ सकें।